नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइफाइड के बारे में, जो अभी के समय में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं, इसके इलाज और बचाव के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले टाइफाइड, जिसे बुखार लग जाता है बार बार मच्छर काटने से हो या किसी प्रकार से, इसी को हम टाइफाइड कहते हैं। टाइफाइड से कैसे बच सकते हैं? टाइफाइड से बचने के लिए आप घर के अगल बगल में साफ सफाई का पहले ख्याल रखें, गंदगी वंदगी से बचे, साथ ही स्वच्छ खाना खाए। इसीलिए चलिए अब इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। टाइफाइड में आप हॉस्पिटल में किस तरह से दवाई देते हैं? तो कोई पेशेंट आता है जब हॉस्पिटल में, तो उसे सबसे पहले आईवी कैनूला लगा लेते हैं। आईवी कैनूला लगाने के बाद उसे एचआईवी, एचसीवी, एचबीएचसी जी किट कर लेते हैं। उसके बाद मेडिसिन देते हैं। क्या क्या मेडिसिन देते हैं चलिए जानते हैं। एकुजोन 1.5 ग्राम बीडी देते हैं, दिन में 2 बार एकुजोन इंजेक्शन आता है वो देते हैं। उसके बाद बात की जाए तो एक टेबलेट आता है एजिथ्रल 500, दिन में एक टाइम देते हैं वो टेबलेट। उसके बाद बात की जाए तो सुमोल एल पारासीटामोल आता है, इंफ्यूजन पानी का बुखार लगने पर एसओएस में दिया जाता है। उसके बाद बात की जाए तो पेंटोसिड, जो कि गैस का आता है इंजेक्शन, वो दिया जाता है। बीडी में दे सकते हैं अगर ज्यादा गैस बन रहा है, नहीं तो DDA का दे सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो मेलजेप MD 0.5, अगर पेशेंट को बेचैनी है, नींद वगैरह नहीं आ रहा है, तो मेलजेप MD 0.5 डेली 1 लाख के सोने छोते समय दे सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो ग्लूकोज के लिए मेगालिनोन फोर्ट 500 CC NS के साथ मिक्स करके IP सोलो सोलो चला सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो अगर पेशेंट को ज्यादा जरूरी है ग्लूकोज की, खाना ताना नहीं खा रहा है, उल्टी हो रहा है, तो उसे 1 DNS के बोतल दिन में चला सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो अगर पेशेंट को उल्टी हो रहा है, तो वनडम इंजेक्शन आता है 2 ml SOS में जरूरी पड़ने पर दे सकते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द पेट में हो रहा है, तो कंट्रामोल ट्रामाडोल इंजेक्शन आता है IV या IM उसे दे सकते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।